Hey guys, welcome back to another vlog. और जैसा कि I told you कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो आज हम निकल रहे हैं. आज मैंने अपना जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है आज मैंने वो अपलोड किया था. तो जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो, मतलब जिस दिन आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा था, उस दिन हम निकल रहे हैं. हमें निकलना तो 8 बजे था, बट अभी टाइम हो रहा, रात के 11 बज रहे हैं. पता नहीं यार, कल भी करी थी हमने पैकिंग और हमने आज भी कर ली पैकिंग. मतलब बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पैकिंग करने में. पता नहीं क्या ही किया ऐसा हमने, ऐसा एज इन कुछ रखा भी नहीं है, पर फिर भी चलो ठीक है. तो अभी हम निकलेंगे 5-10 मिनट में और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग. ओके, तो गाइज हम लोग निकल चुके थे और हमें निकले हुए आधा घंटा हो चुका है. अभी हम पहुंच गए जीटी रोड और यश करवा रहे हैं टैंक फुल. ठंड हो रही है यार गाइस, बहुत, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते पर ठंड हो रही है. मतलब बढ़िया वाली जो होती है, धुंध धुंध दिख रही है हल्की हल्की अलग से. और मैं तो बस ये शर्ट शर्ट पहन, मतलब पतली सी है, दिख रही होगी तुम्हें, इसमें ठंड सी लग रही है मुझे. तो नेल एक्सटेंशन तो दिखाया नहीं, तो मेरे ऐसे कुछ नेल एक्सटेंशन कराए हैं मैंने. मैं हमेशा न्यूड में कराती थी बट आई थॉट दिस टाइम कि यार नहीं, न्यूड नहीं, कुछ अलग में जाते हैं. और ये वाला कलर मेरा फेवरेट है, मतलब फेवरेट, हाँ मतलब वन ऑफ माय फेवरेट है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं कभी भी एथनिक में भी लेने जाती हूँ तो मुझे अगर ये कलर दिख जाए तो मेरी आँखें वहीं रुक जाती है. तो मैंने ये वाला कलर करा. मॉर्निंग, और अभी हम पहुँचे तो नहीं हैं, अभी पहुँचने में कम से कम हमें 4 घंटे और लगने वाले हैं. पर हाँ, हम हिमाचल में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है. पीछे फॉग इतनी थी और यहाँ पे धूप निकली हुई है, तो ऐसा कुछ देखो कितना सुंदर लग रहा है. और यश रात के 12 बजे से कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं. हम लोगों ने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया अभी तक. सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं तो बीच में 1 घंटा सो गई थी, बट यश के पास तो ऑप्शन है नहीं सोने का, तो यश तो जाके ही रेस्ट करेंगे वहाँ. अभी हम आए हैं कुछ खाने पीने और बहुत ठंड हो रही है, आवाज़ भी नहीं निकल रही, जम रही है. पता नहीं मनाली पे क्या ही होएगा. और यहाँ पे इनकी लड़ाई चल रही है और ये पीछे गाय, यहाँ पे ऐसे गाय होती हैं छोटी हाइट वाली, एक ये एक वो है. और पीछे इसकी प्रॉपर्टी देखो इस होटल की, अच्छी है. तो अभी हम कुछ, तो गाइस हम लोग गए थे अभी कुछ खाने और हमें खाने के नाम पे सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी मिली क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था. और यश ने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करी थी दूध वाली, मतलब मिल्क कॉफ़ी, पर इनकी इतनी गंदी आई, वो दूध ही जला हुआ उसमें. यश ने वापस कर दी. उसके बाद वो लोग, उन्होंने 15 मिनट लगा दी कॉफ़ी लेने में. यश तो उठ ही गए वहीं से, भाई मुझको नहीं चाहिए कॉफ़ी. और सिर्फ हमने ब्लैक कॉफ़ी, नहीं उनके पास मैगी थी. यार पहाड़ों में मैगी नहीं होती क्या? होती है पागल कहीं के. मैं दिखाया था ना कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, पर कुछ नहीं था उसके अंदर, ना खाने का ना पीने का. तो ये वाला मुहावरा यहाँ पे सच होता दिख रहा था मुझे. क्या बोलते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वैसा कुछ था गाइस. Thank you.
चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे मनाली एंड हम होटल में भी आ चुके हैं। अभी यश कर रहे हैं रिसेप्शन पे बात, उसके बाद देखते हैं हमें कौन सा रूम मिलता है। रूम्स तो मैं हम देख के आ चुके हैं, अच्छे रूम्स हैं, बाकी व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का, आपको दिखाती हूँ। तो सामने जो है ना वो वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी मैंने यहाँ पे पूछा था तो कहते ये देखो ऊपर ऊपर, तो अभी कहते कि बर्फ़ यहाँ पे 1 वीक पहले पड़ी थी, और अब देखो कब अगर हमारे रहते स्नोफॉल हो जाए तो बहुत अच्छी। हम आ चुके हैं रूम के अंदर और ऐसा कुछ है हमारा रूम, दिखाती हूँ मैं आपको भी। ये हमारा लगेज है, वो हमारा लगेज है, ये कुछ एमिनिटीज और ये मैं। आई आई यार मेरे हैंड्स रेड हो गया ना, बहुत ठंडा है यहाँ पे, जम रहा है सब कुछ, यहाँ तक आवाज़ भी। यश बात कर रहे हैं बाहर किसी से, और ये ऐसा कुछ है हमारा रूम। अब चलते हैं बाहर, सुबह यहाँ से मॉर्निंग होगी हमारी। वाह अच्छा लग रहा है ना, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, जब मैंने वहाँ से दिखाया था, कौन है कौन गया अभी, हाँ दे रहा, जब मैंने यहाँ से दिखाया था रिसेप्शन से ये, और हमारा रूम है अभी यहाँ पे, तो हमारे रूम से और अच्छा लग रहा है। सबसे पहले शावर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर सोएंगे, बहुत थक गए हैं यार, और यश तो मेरे से भी ज़्यादा थक गए होंगे। मैंने तो बीच में 1 घंटे की नींद ले ली थी पर यश नहीं ले पाए, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाए थे, तो अब कुछ खाएंगे फिर शाम को जाएंगे, देखते हैं यश हमें कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि यश तो पहले आ चुके हैं यहाँ पे, यश नोज एवरीथिंग। तो सो यस गाइस, वी आर रेडी टू गो आउट एंड आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 7:30 या 8, हम आके सो गए थे 2-3 घंटे सो गए, और फिर मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने उठाया हमें, तो अभी हम रेडी होके, मैं तो हो चुकी हूँ, यश हो रहा है, फिर हम जाएंगे। अभी हम कहाँ जाएंगे, अभी हम जाएंगे मॉल रोड, जो यहाँ से होटल से 5 मिनट्स की दूरी पे है बाय कार, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, देखेंगे कैसा क्या माहौल है रात का, बाकी ठंड बहुत हो रही है। और मेरी आउटफिट ऑफ द नाइट है ये बूट्स एंड दिस जैकेट, तीन लेयर में भी ठंड लग रही है, इतनी ठंड है यहाँ पे, बर्फ़ पड़ती होगी जब तो बुरा हो जाता होगा। सो गाइज हम लोग आ गए हैं मॉल रोड पे, और यश कहते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, पर आज मतलब उतना नहीं है, कहते हैं खचाखच भरा हुआ होता है ये, गाड़ी भी पार्किंग के लिए नहीं मिलती यहाँ पे। एंड वेट मेरे को पुचका दिख गया तो शायद मेरे बर्थडे के दिन उन्होंने खाली कर दिया होगा कि मोनिका आएगी। अरे जस्ट किडिंग गाइज, जस्ट किडिंग। गाइज यहाँ पे बहुत ठंड है, जम गए, जैसे तुम देख सकते हो रेड नेचुरल है, अमेजिंग, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, जम गए बिल्कुल। और अभी कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, हम लोग गए थे कैफे में, उससे पहले हमने खाया थोड़ा स्ट्रीट फूड, फिर हम गए कैफे में, बोला भी नहीं जा रहा, जम से रहे हैं वो, चलो मैं हीटर के आगे बैठे हुए, पहले तो बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। तो पहले हम गए थे कैफे में, और नहीं पहले हमने खाया स्ट्रीट फूड, फिर हम गए कैफे में, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा सेलिब्रेट किया, करा बर्थडे, फिर अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। और आज का डे वन यही था मनाली में, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि थक गए थे और लेट आए थे हम, 2 बजे तक तो आए ही थे आई थिंक,
तो आके होटल वोटल लिया, रेस्ट किया। तो कल हम जाएंगे स्नो पॉइंट पे, वहाँ पे जाके आपको दिखाती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।